अगर आप बिहार आए और लिट्टी चोखा नहीं खाए तो फिर आप कहीं ना कहीं बिहार के मुख्य व्यंजन से अछूते रह गए। ऐसे ही एक दुकान के पास हम लेके आए हैं जो लिट्टी चोखा का दुकान है और पिछले 70 सालों से लोगों को बिहार के लिट्टी चोखा का स्वाद दिला रहा है और लोग इसका स्वाद ले रहे हैं। इस दुकान को भले ही आप आज के दौर के साथ पूरी तरह से हाई फाई जो एक शब्द होता है वैसा नहीं देखेंगे, साधारण है, सिंपल सा है, लेकिन ये दुकान इसलिए खास है क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री आवास और कई मंत्रियों के घर तक लिट्टी चोखा जाता है और कई ऐसे दिग्गज लोग रहे हैं जो यहाँ पे लिट्टी चोखा खाने आते थे। और कहा जाता है कि लिट्टी और चोखा राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु रहता है। चौरसिया लिट्टी चोखा एक जो है पिछले 70 सालों से ये दुकान अनवरत जार चल रहा है और इस 70 सालों के दौरान इसने बहुत कुछ अपने में समेटे रखा है, कई इतिहास के सुनहरे किस्सों को अपने साथ समेटे रखा हुआ है। और हमारे साथ इस दुकान के ओनर और तीसरी पीढ़ी के हैं और जो इस दुकान को चला रहे हैं, थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम अजय कुमार चौरसिया है और ये आपकी शॉप जो है चौरसिया जी की पुरानी लिट्टी दुकान न्यू मार्केट में स्थित है। 70 साल कहते हैं कि ये बड़ा केवल दिखने में बड़ा साधारण सा है, हाई फाई नहीं है, पूरा लग्जरी वाला आज के दौर के साथ नहीं है, लेकिन ये खास है। कहते थे ये राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु भी रहता था बिहार। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 1956 से हमारी दुकान है और लिट्टी चोखा जो है वो इसकी जो इतिहास में अगर आप जाते हैं तो मगधकालीन इतिहास है इसका। चूँकि अपना जो मगध का साम्राज्य था वो काफ़ी बड़ा साम्राज्य था और उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र जो अभी पटना में है, तो मगधकालीन से लेके आज 2023 तक, 1956 से 2023 तक इस परंपरा को लेके हम चल रहे हैं। कौन सी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी? ये हमारी तीसरी पीढ़ी है। इस दुकान से कोई जुड़ा हुआ कुछ किस्सा, थोड़ा सा आप आ जाते बाहर तो हम लोग थोड़ा अच्छे से बातचीत कर लेते। इस दुकान से अच्छा है क्या? इस दुकान से कोई राजनीति कुछ चर्चित? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ 1956 से मतलब बहुत सारी सरकारें बनी, बहुत सारे लोगों को बदलते देखा हमने, शहर बदलते देखा, लेकिन एक लिट्टी चोखा जो है ना वो कभी नहीं बदला। चूँकि ऐतिहासिक डिश है लिट्टी चोखा, अपने आप में जो है ना संपूर्ण डिश होता है और एक भाईचारे का प्रतीक होता है। लिट्टी चोखा सिर्फ लिट्टी चोखा नहीं है, स्वाद, स्वास्थ्य, एक अपनापन ये लिट्टी चोखा में है। इस दुकान से कोई किस्सा? बहुत सारे किस्से हैं, जैसे स्ट्रगल के समय में जितने भी अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं या पहले के मुख्यमंत्री या जितने विधायक हुए, नेता हुए, या जो भी अभिनेता लोग आते हैं, तो एक बार लिट्टी चोखा ज़रूर हम चाहते हैं कि वो टेस्ट करें और उनको टेस्ट करवाते भी हैं। अभी कहाँ कहाँ से आता है माल? अभी जैसे सारे जगहों से पार्सल आता है, चूँकि उनका प्रोटोकॉल का चक्कर होता है, तो हर जगह से, हर पार्टी कार्यालय से, या जब कुछ भी कोई ओकेजन होता है वैसा, तो हमारे यहाँ से लिट्टी चोखा लेके जाते हैं। राजनीतिक किस्सा लिट्टी के साथ रहा हो, उस समय बड़ा चर्चा में रहा। जब भी चुनाव का वक्त आएगा तो लिट्टी पे चर्चा होना लाजमी है, और ख़ास करके हमारी दुकान। आप यहाँ आएंगे जो यहाँ हमारे कस्टमर, चूँकि वो अपना जो फीडबैक यहाँ बताते हैं या देते हैं, तो 100% अभी तक मेरा अपना अनुभव जो है कि वो सही हुआ है कि ये सरकार आएंगी, इतनी सीटें इनकी आएंगी, इतनी सीटें इनके आएंगी, तो वैसा होता है। थोड़ा सा बताइए क्या है आपकी लिट्टी चोखा में कि लोग यहाँ पे खींचे चले जाते, कुछ नाम बताइए, कैसे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या स्पेशल है आपका? लिट्टी चोखा खुद में एक बहुत ख़ास चीज़ है अगर ऐसे बोला जाए तो। इसका जो मिजाज भी होता है काफ़ी नरम गरम, काफ़ी प्यारा होता है, स्वास्थ्य के साथ साथ स्वाद के लिए तो अच्छा होता ही है। और अगर हम अपनी लिट्टी की बात करें, हमारी लिट्टी की जो खासियत है, तो सबसे मेन चीज़ हम क्वालिटी का बहुत ध्यान रखते हैं,
जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर ग्राहक हैं वो रोज़ खाने वालों में से हैं, तो क्वालिटी बिल्कुल अच्छी रखने की कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज़, प्यार से लोगों को खिलाते हैं और उनको अपना परिवार, कस्टमर्स को अपना परिवार बनाते हैं। कितना देते हैं? 12 रुपये पर पीस होता है, जिसमें आपको लिट्टी चोखा, सलाद, हरी मिर्च, एक प्रॉपर ट्रेडिशनल जो लिट्टी चोखा होता है वो हम आपको परोसते हैं। उसी पुरानी परंपरा पद्धति से हम लिट्टी चोखा बनाते हैं और लोगों को प्यार से खिलाते हैं जी। आप हैं और कोई ऐसा अभी आपके यहाँ भी कुछ आया है, कोई ऐसा बड़ा सेलिब्रिटी आपके अभी आपके याद हो? वैसे तो लोग आते रहते हैं, काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं। अगर हम व्लॉगर्स की भी बात करें तो काफ़ी सारे व्लॉगर्स हैं, नेशनल व्लॉगर्स हैं, इंटरनेशनल व्लॉगर्स भी हैं। अभी कुछ टाइम पहले कनाडा से कपल आए थे, वो आए थे तो सुनकर आए थे। जो लोग भी बिहार आते हैं और लिट्टी चोखा खाने की इच्छा रखते हैं कि बिहार जानना है, क्योंकि लिट्टी चोखा का एक प्लेट में बिहार छुपा है। अच्छा। तो जो किसी का भी मन होता है वो हमारे चौरसिया जी की पुरानी लिट्टी दुकान में ज़रूर आते हैं, ज़रूर अपना जूठा यहाँ गिराते हैं और अपना हमारे परिवार बनते हैं जी। क्या क्या है खासियत, क्या है इसमें, क्या क्या कुछ? ये चोखा होता है, इसमें जो भी मसाले यूज़ होते हैं वो कोई भी पाउडर मसाला यूज़ नहीं करते हम लोग। हम लोग जो कुछ भी बनाते हैं वो पुरानी पद्धति से, जिस तरीके से, अगर लहसुन भी डालते हैं तो वो कूच के, ताकि जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो आए। चोखा होता है आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च, लहसुन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब मिलाकर हम बनाते हैं। और ये है हमारी लिट्टी जो कोयले के धीमे धीमे आँच पे पकती है जी। और एक लोग और एक दो कस्टमर हैं, थोड़ा इनसे भी बात करेंगे हम और समझेंगे लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा बिहारियों के कौन से, किस शरीर के किस भाग में ये दिल में बसता है? दिल में बसता है। वजह क्या है, इतना चहेता क्यों बन गया लिट्टी चोखा? यहाँ का ये ट्रेडिशनल डिश है, ऐसे हर जगह का है ना, ये यहाँ का ट्रेडिशनल डिश है। सस्ता पड़ता है इसलिए? नहीं, सस्ता भी है और टेस्ट, मतलब इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है और इसमें हाइजेनिक है, मतलब किसी तरह का आपको फ्राई नहीं है या हेल्दी भी है। कहते हैं कि यहाँ पे जब लिट्टी चोखा प्रोग्राम गांव शहर में बनता है तो कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई प्रोग्राम में कुछ ऐसा होता है तो प्रोग्राम बनाया जाए, लिट्टी चोखा बनाया जाए। लोग आप खा तो रहे हैं, लेकिन हम लोग बनाते थे बचपन में गाँव में, अपने बच्चे मैंने साथी लोग मिल गए तो हम लोग एक हांडी में जो है कि वो पूरा हम लोग इसका करते थे, बनाते थे, लेकिन अब वो सब नहीं है तो चौरसिया जी के दुकान पे आते हैं। अच्छा, ये आखिरी सवाल है कि चुनाव आ रहे हैं लोकसभा, मिजाज क्या है लिट्टी चोखा का? पॉलिटिक्स का कोई ज्ञान कुछ लगता है कि कुछ बदलाव होनी चाहिए? पॉलिटिकल का कोई हमको ये नहीं। क्या करते हैं? हम तो सर्विस करते हैं। चलिए आइए एक लोग से और बात करते हैं और उसके बाद हम अपना, क्या नाम है, यहीं से बिहार से हैं कि बाहर से हैं? बिहार से हैं, मोकामा के रहने वाले हैं। पटना जिला के हैं? पटना जिला का। पटना से ही कहा जाता है कि लिट्टी की शुरुआत हुई। हाँ। कहाँ बसता है आपके यहाँ लिट्टी, कहाँ बसता है, शरीर के किस भाग में बसता है? शरीर का अंग अंग में बसता है, समझिए। लिट्टी कैसा चीज़ है, भोजन है, हो गया है, जो हृदय रोग वाले के लिए बहुत बेनिफिट होता है। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो उसी समय से हम खाते आए हैं। अभी हम सिवान में पोस्टेड हैं, वहाँ से आए हैं खाने के लिए, उसके बाद यहाँ से उतर के फिर खा करके फिर जाएंगे मोकामा। सिवान में किस पोस्ट पे हैं अभी? हम वहाँ हैं स्टेटिकल ऑफिसर। मौजूद इसका जीआई टैग की बातें हो रही है, किसको जीआई टैग दिलाने की बातें शुरू हो गई हैं, आवेदन करने की बात? हाँ हाँ, तो जीआई टैग के बारे में, इसके बारे में तो नहीं सुने हैं, कृषि विज्ञान के होगा तो बेहतर होगा, समझिए ना, इसमें तो कोई अथी नहीं है। और जहाँ तक की बात है सस्ता, वो सस्ता स्वास्थ्य के लिए सस्ता नहीं माना जाएगा, समझिए ना, इसलिए हाँ दवाई का काम करता है। सप्ताह में एक दिन खाना चाहिए लिट्टी चोखा। शनिवार को स्पेशल है? शनिवार को स्पेशल, शनिवार को खाते हैं। बिहार में कहावत है कि लिट्टी चोखा शनिवार को खाइएगा तो आपका ग्रह जो है वो काफ़ी कट जाता है। ये तो चीज़ें हैं, मानने की बातें हैं, आप मानिए ना मानिए, लेकिन ये सब कहावतें, प्रचलन, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 70 साल से अनवरत लिट्टी के, बिहार के उस पुराने लिट्टी का स्वाद लगातार चौरसिया जी का पुराना लिट्टी चोखा की जो दुकान है वो दे रहा है और लोग यहाँ पे आ भी रहे हैं। तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं जो नॉर्मल ऐसे कई दुकानों पे नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे इतनी तमाम चीज़ों के होने के बावजूद भी लिट्टी चोखा का स्वाद जो यहाँ पर एक बार चख लिया है वो ज़रूर आता है। साथ ही साथ इससे लिट्टी चोखा केवल स्वाद नहीं बल्कि स्वास्थ्य के साथ
बिहार की राजनीति के दशा और दिशा को लेके भी चर्चा करता है और बताता है कि क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ आने वाले समय में बदलाव होने वाला है। तो ये था लिट्टी की कहानी और ये थी चौरसिया जी की दुकान की भी कहानी। खेती कृषि पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।